The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So bone marrow transplant mein, right, hota kya hai? Bone marrow transplant is a procedure jisme ke किसी भी पर्सन का डैमेज या डिस्ट्रॉयड मैरो, बोन के अंदर मैरो होता है, बोन के जो बीच में जो क्रीमी सी चीज़ होती है, दैट्स अ बोन मैरो, जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को पता होगा, और उस वो बेसिकली ख़राब हो जाए किसी कारण, वहीं पर आपके सारे बॉडी के एक्चुअल चीज़ें, सॉफ्ट सी फैटी चीज़ें है इनसाइड द बोन, और ये आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, बोन मैरो, ब्लड के सारे सेल्स वहाँ पे बनते हैं, ब्लड के रेड ब्लड सेल, WBCs, सारे के सारे प्लेटलेट्स और पूरे सारे आपके इम्यूनिटी वाले सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल्स वहाँ बनते हैं. सो बोन मैरो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बोन मैरो की कोई डिजीज या डैमेज हो जाए वो किसी कारणवश, तो उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, आप किसी और का बोन मैरो आपके अंदर या आप ही का बोन मैरो के अंदर, वो भी दोनों चीज़ें, तो बताता हूँ टाइप्स क्या है, राइट. तो ये किया जा सकता है. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक तरीके का, इसमें जैसे हमने कहा देर आर टाइप्स है उसके, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. नंबर वन इज कॉल्ड ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ऑटोलॉगस मीन्स सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, मेरा खुद का, खुद का ऑटोलॉगस मतलब स्टेम सेल्स आर रिमूव फ्रॉम यू ओनली, आप ही के सेल से, बिफोर यू रिसीव हाई डोज कीमोथेरेपी. मतलब मान लो आपको कैंसर हो गया, है ना, किसी को कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता किसी को, उसको कैंसर हो गया, उसको देने वाले कीमोथेरेपी, खूंखार कीमोथेरेपी, तो पता है कि उसका बोन मैरो खराब हो जाएगा. सो आप क्या करेंगे, बोन में से मैरो निकाल लो और उस मैरो को, कुछ हद तक मैरो निकाल के फिर उसको कीमोथेरेपी दे दो, उसके बाद वापस बोन मैरो ट्रांसफर कर दो. उससे क्या होगा, उस बोन, उसके स्टेम सेल्स को फ्रीजर में रखने से जितना टाइम वो है आफ्टर द कीमोथेरेपी, वापस उसके बोन मैरोज काम कर पाए. दिस इज अ रेस्क्यू ट्रांसप्लांट. व्हेन वी नो वी आर गोइंग टू डैमेज समथिंग, वी कैन रेस्क्यू दैट, दैट्स ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दैट हैपन्स. फिर देर इज ऑल एलोजेनिक, एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट. इसमें क्या होता है, अदर्स का, अदर्स का मतलब इसमें किसी और पर्सन, कोई और डोनर से स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, और ज़्यादातर डोनर एटलीस्ट पार्टली आपकी जीन्स, जेनेटिक, यानी आपके रिलेशन वाला होना चाहिए, पार्टली कोई ना कोई, यानी साथ में भाई बहन, कज़न, माता पिता, बच्चे, समथिंग लाइक दैट. और इसमें टेस्ट करना पड़ता है कि वो मैच है कि नहीं है, डोनर और जो पर्सन है मैच है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा, ब्रदर सिस्टर्स और बाकी लोगों का हो सकता है. अगर कई बार मैच नहीं निकलता तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये तरीके का होगा, तो ये हो गया एलोजेनिक. थर्ड इज अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट. इसमें क्या होता है, स्टेम सेल बच्चों के निकाले जाते हैं, छोटे 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 बच्चों में जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल थोड़े से लेके फ्रोजन करके रख दिया जाता है जब भी उसको ज़रूरत होती है. अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड सेल्स इमेच्योर होते हैं तो उनको मैचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. और इसमें बहुत स्मॉल नंबर का सेल सेल होता है, इसीलिए ब्लड काउंट्स आर, यानी ब्लड के जो काउंट्स है वो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इस तरीके का जो सेल्स हैं बहुत कम मात्रा में रिकवर होते हैं, तो धीरे 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 वो ग्रो होंगे, फिर आपका ब्लड सेल रिकवर होगा. तो ये भी एक टाइप है, ऑल्दो नॉट द मोस्ट कॉमन, एलोजेनिक ऑटोजेनिक ज़्यादा होता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला भी एक पॉसिबिलिटी है. तो ये तीन टाइप के स्टेम सेल्स यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होते हैं. स्टेम सेल्स ज़्यादातर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कंप्लीट हो जाने के बाद बीच में कभी नहीं करेंगे, और ये डिलीवर किया जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, यूजली थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड सेंट्रल वीनस कैथेटर. और इसमें बिल्कुल जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, आपके ब्लड में जाके बोन में चले जाती है, इसमें कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. डोनर के ज़रूर स्टेम सेल्स कलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, उसको ज़रूर एक माइनर सर्जरी, बोन मैरो हार्वेस्टिंग, एक छोटी सी सर्जरी होती है माइनर सर्जरी, जिसमें आपको थोड़ा सा बेहोश किया जाता है जनरल एनेस्थीसिया देके, और उसमें जब आप पेन फ्री हो जाते हैं उसके बाद बोन मैरो रिमूव किया जाता है बैक से, हिप की जो बैक साइड है, आपके हिप्स की बैक साइड, वहाँ से, और जितना आपका वज़न है उसके बेसिस पे कितना अमाउंट निकलेगा वो डिसाइड किया जाता है, नंबर वन. वो उसके लिए फिर मैरो में छेद करना पड़ता है, इसलिए बेहोश किया, पेन फ्री किया जाता है. ल्यूकोफेरेसिस एक दूसरा तरीका है जिससे भी निकाला जा सकता है. इसमें आपको कुछ दिन दिए जाते हैं, एक शॉट्स दिए जाते हैं,
जो जिससे कि क्या होता है, स्टेम सेल्स आपके आपके ब्लड में आ जाते हैं, कुछ इंजेक्शन दिया जाते हैं कुछ दिनों, सेवरल दिनों तक, जिससे ब्लड में आ जाते हैं और ल्यूकोफेरेसिस यानी आपका ब्लड रिमूव किया जाता है आईवी लाइन से, और पार्ट ऑफ द ब्लड जिसमें स्टेम सेल होते हैं उसको फिर मशीन से सेपरेट किया जा सकता है और फिर डोनर को, रेसिपिएंट को दिया जा सकता है, राइट। ये भी एक तरीके है, राइट। ये और जो दूसरा बाकी जो बचा रेड ब्लड सेल जो खुद का पर्सन है उसको वापस डोनर को दे दिया, मतलब समझे बात, जो मेन डोनर के सेल ले लिए और जो बाकी के वापस उसको डाल दिए, तो दैट इज ऑल्सो गुड, ल्यूकोफेरेसिस इज ऑल्सो गुड। और किया क्यों जाएगा, याद रखिए जब भी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए की जाती है तो बोन मैरो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है, इसके लिए किया जा सकता है। और कई तरीके के ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोडिस्प्लेसिया, मल्टीपल माइलोमा, या कुछ ऐसी बीमारी जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, बनी नहीं रहे सेल्स ब्लड के, कंजेनाइटल न्यूट्रोपीनिया, सिवियर इम्यून कॉम्प्रोमाइज, इम्यून इम्यून सिस्टम इलनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ऐसे केसेस में ये किया जा सकता है। अगेन ये बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, चेस्ट पेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर, फीवर, चिल, फ्लशिंग, हेड एक, हाइव, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसी चीज़ें हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर डिपेंड करेगा कि आप कितने बीमार हैं, आपकी कीमोथेरेपी रेडियो थेरेपी कितनी की हुई है, एज कितनी है, हेल्थ कैसी है, मैच अच्छा था नहीं था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कौन से टाइप का, ऑटोलोगस, एलोजेनस, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। फिर भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है, आपको एक्चुअल ब्लीडिंग हो सकती है कई बार बॉडी के अंदर से कहीं पर, छोटी छोटी नसों में क्लॉटिंग हो सकती है, किडनी, लिवर, डंग, हार्ट, कहीं भी डैमेज हो सकता है, तो ये डेंजरस सब ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है जिससे कि आपके खुद की इम्यून सिस्टम इसको अटैक करे। तो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, तो ज़रूरत ना, जब नहीं पड़े तो अच्छा है, वैसे पड़ती है तभी करते हैं। स्टमक पेन और छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स तो हो ही सकते हैं, राइट। अगेन रिमेंबर, सो प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, वो आपके डॉक्टर आपको करेंगे और आपको फिर प्री पोस्ट प्रोसीजर के बारे में, इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए ज़्यादातर केसेस में लोग आराम से विल डू वेल आफ्टर द ट्रांसप्लांट। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने आप को, ज़रूर रेगुलर फॉलोअप पे जाना पड़ता है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कंप्लीटली क्योर या पार्शली क्योर योर इलनेस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर ट्रांसप्लांट एक सक्सेस है देन यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ एज सून एज यू गेट वेल, ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। यूजुअली इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाता है रिकवर करने में, फुल्ली रिकवर करने में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशन, आपकी कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन और फेलियर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हो सकते हैं, रिस्की चीज़ है, बट देन वी हैव टू टेक इट। कॉम्प्लिकेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जान का खतरा हो, बट देन जब बीमारी ऐसी है तो फिर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है। तो ये हुई बात बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, आई होप आपको समझ आई, थैंक यू सो मच। बड़े वो सवाल आपके पास है ज़रूर लिखिए, लाइक करना है भाई साहब, लाइक करे बगैर वीडियो को नहीं जाना है, शेयर करिए, थैंक यू सो मच।